हमारे साथ इंद्रनील राजगुरु जी हैं जो यहाँ अपनी जीत का आत्मविश्वास जता रहे हैं। क्या कहेंगे सर, वहाँ विजय रूपाणी जी गए कहे इस बार कोई चुनौती है ही नहीं, हम तो जीतने वाले। वो ज्यादा दबाव में होते हैं तब ज्यादा जोर से बोलने की उनकी आदत है, तो अच्छा है, लेकिन आपका उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखना चाहिए था। लोग मेरे साथ हैं और लोग हमें जिताएंगे, हमारा अकेला का कुछ काम नहीं है, लेकिन लोग इस बार भाजप को गुजरात से निकालना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी छवि अभी वो बरकरार है, मोदी मैजिक बरकरार है ऐसा वो कहते हैं। 22 साल का जो विकास हुआ उसी विकास पर जनता वापस राजकोट में चुन के देगी, ऐसा आत्मविश्वास उनके पास है। देखिए, यहाँ आपने बोला सीएम को बड़ा जोश है, तो 3 बार मोदी जी को क्यों लेके आए और मोदी जी को यहाँ गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, तो आज जाके सेंसिटाइज क्यों किया, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला, वो उस पर क्यों वोट मांगने लगे। कांग्रेस के हमारे लीडर्स को के लिए अलग गलत बोलते बोलना क्यों पड़ा, जातिवाद कर रहे हैं कांग्रेस ये बोल रहे हैं, लेकिन आपके नेताओं ने भी तो गलत गलत बातें की, क्या की मणिशंकर, तो कांग्रेस ने उनको सस्पेंड भी किया, तो एक्शन में है। वो बोल रहे हैं कांग्रेस जातिवाद कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी खुद राहुल जी की जात की बात कर रहे हैं, तो क्या बताता है कि कौन जातिवाद कर रहा है। ये बौखला गए हैं, और नरेंद्र मोदी अपना नाम का उपयोग करना, अगर विकास हुआ है, अगर आप जो बोल रहे हैं बीजेपी का गुजरात मॉडल है वो सक्सेसफुल है, तो आपको क्यों आपका अपना नाम मोदी का पीएम का नाम यूज करके क्यों मैदान में उतरना पड़ा। आज के पर काफी सारे सवाल उठे थे, वीवीपैट इस बार इस्तेमाल हो रहा है, क्या मानेंगे उसको? वीवीपैट में आया है, अच्छा है, लेकिन पारदर्शकता पूरी नहीं आई है। एक ही मशीन टेस्ट होएगा ऐसा नियम उन्होंने बनाया, तो जाके चुटनी पंच को, जो पूरे भारत के लोगों के मन में एक अविश्वास पैदा हुआ है, तो वो विश्वास फिर से दिलाने के लिए चाहे सब करे गिनती, या फिर कम से कम जो उम्मीदवार बोले तो वो उम्मीदवार की जितना चाहे उतने मशीन्स को चेक करे, वो जरूरी था, ये नहीं किया गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।